इन दिनों डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में निरंतर हो रही वृद्धि आम जनता के लिए जले पर नमक डालने की स्थिति बन रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गुरुवार की शाम 6 बजे शहर के गांधी चौराहे पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हाथों में खाली गैस सिलेंडर एवं डीजल पेट्रोल की कैन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि समूचे देश में महंगाई और बेरोजगारी में आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है, जिस और प्रदेश एवं केंद्र सरकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। तो वहीं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पूनम जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी की नीति पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं, जिसे जनता को समझने की आवश्यकता है। अगर जनता को महंगाई से बचना है तो देश और प्रदेश को भाजपा मुक्त करना होगा। प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे, प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जी, मोदी सरकार द्वारा ये जो पिछले 10 दिनों में 9 बार जो पेट्रोल डीजल के रेटों में जो वृद्धि की गई है, आज उसके विरोध में टीकमगढ़ कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। और हम सरकार से, इस निकम्मी सरकार से हम मांग करते हैं कि इस तरह से आप जनता को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और ये इन वृद्धि व इतने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, इन पे वृद्धि करना हमें सरासर मंजूर नहीं है और इस वृद्धि को रोकना होगा। अन्यथा कांग्रेस, आज तो कांग्रेस आपका विरोध कर रही है, बहुत ही जल्द पूरे घर के एक एक व्यक्ति, एक एक जनता सड़कों पर होगी। पार्टी का ये निर्देश है, हमारे नेता राहुल गांधी ये पहले ही कह चुके थे कि चुनाव के बाद जो है बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं है, और आज हम देख रहे हैं कि पर डे 80 पैसे रोज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिस दिन से उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया। गैस की कीमत जो है 1000 से ऊपर पहुँच गई, पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई, मतलब दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार इस पूरे उसका जश्न मना रही है, उनके जो जीत के जश्न है वो हर जगह अपने जश्न मनाते घूम रहे हैं। तो आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जहाँ जो संभव हो सका है वहाँ पर आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जनता से आह्वान किया है कि ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ दें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।